अब है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बताया है? कि वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या कोई भी निश्चित वस्तु हो, कुछ भी हो सकती है, कि मेरे पास किताब है, तो ये निश्चित है, फिक्स है ना कि मेरे पास में किताब है, या मेरे पास चौक है, तो ये निश्चित है। जहां कोई भी व्यक्ति या वस्तु के लिए निश्चित, मतलब कॉन्फिडेंस से बोला जाता है कि ये फिक्स है, उसके लिए निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। जैसे वह यही पढ़ रहा है, तो यही यानी फिक्स है। इस वाक्य में वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह कोई भी हो सकता है और यही पढ़ रहा है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल निश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर है हमारा नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई भी चीज निश्चित ना हो, फिक्स नहीं हो, उसके लिए बताया गया है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी थर्ड है अनिश्चयवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बताया? कि जिन ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे उनकी निश्चितता का पता नहीं चलता, कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, उसके बारे में फिक्स पता नहीं होता कि ये है या नहीं है, फिक्स नहीं रहता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कोई नहीं आया, तो ये फिक्स नहीं है ना, आया था या नहीं आया था, तो कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं आया। पानी में कुछ पड़ा है, पानी में कुछ पड़ा है, अब क्या पड़ा है, चींटी पड़ी है, मच्छर पड़ा है, क्या पड़ा है, कुछ फिक्स नहीं है ना, कुछ निश्चित नहीं है कि इसमें क्या गिरा है। इन वाक्यों में कोई, कुछ अनिश्चयवाचक शब्द है। इसके शब्द हैं कोई, कुछ आदि, ठीक है। अब है नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है ये पढ़ते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध ज्ञात होता है। क्या बताया है? कि जिन सर्वनाम शब्दों का किसी दूसरे से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध यानी रिलेशन बताया जाता है, अर्थात अथवा जो दो वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हैं, वे संबंधवाचक कहलाते हैं, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। इसमें दो वाक्य जुड़ गए हैं, पहला जो कठिन परिश्रम करता है और दूसरा वह सफल होता है। दो के बीच में संबंध बताया है, यानी उनका रिलेशन हो गया। इस वाक्य में जो तथा वह एक ही व्यक्ति से संबंधित है, उसी के बारे में बताया गया है कि जो कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत करता है वह सफल होता है। अतः जो तथा वह संबंधवाचक सर्वनाम है। जो वह, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो संबंधवाचक में आते हैं। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5। सर्वनाम प्रश्नवाचक संबंध वाचक सर्वनाम में क्या है देखते हैं।
जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कि जिस वाक्य से हमें पता चलता है कि यह हमसे प्रश्न पूछ रहा है या प्रश्न है इसमें, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक किसकी है, कमरे में कौन सो रहा है, थैले में क्या रखा है। तो इसमें पहला है यह पुस्तक किसकी है, किसकी क्या है पूछा है ना इसमें, किसकी, अननोन पर्सन की है। और दूसरे में है कमरे में कौन, तो कोई फिक्स कौन नहीं। कौन। थैले में क्या रखा है, तो जिसमें ऐसे शब्द आते हैं किसकी, कौन, क्या, ये जो शब्द आते हैं ये प्रश्नवाचक सर्वनाम में ही आते हैं। अब है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता द्वारा अपने स्वयं के लिए किया जाता है। निज मतलब अपना, स्वयं के लिए किया जाता है ऐसे वाक्यों का प्रयोग, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का, जैसे यह आपका मकान है, मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूं, या मैं आपकी अध्यापिका हूं, तो फिक्स है ना ये अपने लिए निजवाचक। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ये काम कर रही हूँ, या मैं आपकी अध्यापिका हूँ, मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ, तो उसमें कौन सा सर्वनाम आ गया, निजवाचक सर्वनाम। तुम खाना अपने आप क्यों बनाते हो, इन वाक्यों में अपना, स्वयं, अपने आप शब्द कर्ता के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। तो कौन कौन से शब्द आते हैं, अपना, स्वयं, माइक म्यूट करो बेटा, अपना, स्वयं, अपने आप, ये जो शब्द आते हैं वो निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। फिर है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत यानी इशारा करना, संकेत देना। तो इसमें है अब है नंबर 7 संकेतवाचक सर्वनाम। तो संकेत का मतलब है इशारा करना। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, माइक म्यूट करो पीयूष, वे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या बताया है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, जैसे मैं संकेत कर रही हूं कि यहाँ आपका पाठ है सर्वनाम, तो मैंने आपको इशारा किया, किससे किया, उंगली से। तो जहां मैं संकेत कर रही हूँ या ये मैं बता रही हूँ मुंह से बिना बोले या बोलकर, तो वो संकेतवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, ये पुस्तक है दिखा रही हूं मैं आपको, यानी संकेत कर रही हूं कि ये वाली आपकी किताब है। वे आम मीठे हैं, इन वाक्यों में यह शब्द पुस्तक की ओर तथा वे शब्द आमों की ओर संकेत कर रहा है, अतः यह और वे संकेतवाचक शब्द हैं। मैम, यस बेटा, मैम जैसे ट्रैफिक पुलिस करती है संकेत, इशारे करती है ना ट्रैफिक पुलिस,
कि वो मुंह से ना बोल के कितने लोगों को बोलेगी, वो नहीं बोल सकते, इसलिए वो इशारा करते हैं जिससे आदमी समझ जाए कि वो क्या इशारा कर रहे हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा सर्वनाम वाला। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसका, नेक्स्ट वीक में हम इसका बुक वर्क करेंगे। मैम जैसे क्रिकेट में एम्पायर संकेत करता है, हाँ कोई भी गेम हो उसमें संकेत ही होता है बेटा, बहुत कम बोलते हैं वो लोग। मैम यस बेटा, मैम ये जो इसमें बुक वर्क सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। हाँ यही करना है क्या नोटबुक में? नोटबुक में करना है पर अभी बुक वर्क करवा नहीं रही ना, तीन प्रश्न करवा देती हूँ। चलो पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पे आपके शुरू में ही सर्वनाम की परिभाषा दी गई है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं उदाहरण सहित। जैसे मैं, तुम, यह, उसका, मेरा, आदि, ये उदाहरण हो जाएंगे, ये पूरी दोनों लाइन आ जाएगी। ठीक है, अब है नेक्स्ट प्रश्न नंबर दो। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर कोष्टक में लिखिए। तो ये सर्वनाम शब्द छांटकर हमें कोष्टक में लिखते हैं। मैम ये भी लिख रही हैं क्या? हाँ, या मैं आपको समझा देती हूँ फिर बाद में पिक सेंड कर दूंगी। ठीक है, पहला है yes, ma'am. यह मेरा बाग है। तो इसमें सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? यह और मेरा। फिर है नंबर खे, बताओ तुम कौन हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम है यहाँ पे। तो तुम और कौन, ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं। फिर है गे का, हम और आप आगरा गए थे। तो इसमें हम और आप दोनों सर्वनाम है। फिर है नंबर घे, वह उसकी कार है, तो वह और उसकी सर्वनाम है। फिर है नंबर चे, सॉरी आपके घर कौन आया, तो इसमें आपके और कौन, सॉरी ये दोनों सर्वनाम हैं। फिर है चे वाला, ये किसकी बकरियां हैं, ये और किसकी, ये दोनों सर्वनाम हैं। फिर है छे का, वे क्या कर रहे हैं, तो वे और क्या दोनों सर्वनाम हैं यहाँ पे। फिर है नंबर जय, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सर्वनाम है। रहा वाला मैम रहा, वह मैच किसने जीता, वह और किसने, ये दोनों और किसके। फिर है इया, वह आपकी कार है, वह और आपकी, वह और आपकी है। ठीक है, आज के लिए इतना okay. ही। अब नेक्स्ट वीक इसका बुक वर्क जो बचा हुआ है वो करेंगे। ओके मैम। मैम यस ओके मैम, बाय मैम, बाय।